मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंजबासौदा में 24 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। टीम ने कुएं के मलबे में दबे सभी 11 लोगों के शव बाहर निकाल लिए हैं। हादसे के वक्त करीब 31 लोग कुएं में फंसे थे, इसमें से 20 लोगों की जान बच गई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुएं में सबसे पहले गिरे 10 साल के बच्चे रवि का शव सबसे आखिर में मिला, जिसे बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ था। हादसे में एक पिता पुत्र समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। रात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा जिले में ही थे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता का ऐलान किया। यह हादसा गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ था। यहां रवि पानी भरते वक्त कुएं में गिर गया था। उसे बचाने के लिए कुएं पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। वजन बढ़ने से कुएं का एक हिस्सा धस गया था। इसके साथ ही करीब 30 लोग मलबे समेत कुएं में गिर गए। रात 10 बजे NDRF SDRF की टीमें पहुंची थी। ADGP साई मनोहर ने 11 शव निकाले जाने की पुष्टि की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास 1 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया था। इधर कुएं में जमीन से आने वाले पानी का फ्लो काफी तेज था, इसलिए लगातार इंजन चलाने के बावजूद भी कुआं खाली नहीं हो पा रहा था। इस वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।